पहले हम पढ़े हुए थे पुरथनी यानी स्क्रैपर के प्रकार, यानी स्क्रैपर का किस मटेरियल का होता है, तो हाई कार्बन स्टील का, दूसरा टूल स्टील का पढ़े हुए थे। और इसमें पढ़े हुए थे कि स्क्रैपर का अलाउंस होता है वो कितना होता है, तो 0.1 mm से लेकर 0.4 mm तक होता है। दूसरा पढ़े हुए थे इसका प्रकार के बारे में, तो प्रकार में पहले हम क्या देखे थे, पुल टाइप स्क्रैपर और पुल टाइप में, और दूसरा पुश टाइप में। पुल टाइप के अंतर्गत कौन सा आ जाता है, हुक स्क्रैपर आ जाता है, और पुश टाइप के अंतर्गत फ्लैट, हाफ राउंड, ट्रायंगुलर और बुलडोज और टू हैंडल स्क्रैपर आ जाता है। अगला फ्लैट स्क्रैपर पढ़े हुए थे, फ्लैट स्क्रैपर की जो लंबाई होती है 100 से 200 mm तक होती है, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 20 से 30 mm तक होती है, और इसकी जो इसकी एंगल की यानी एंगल होता है कटिंग एंगल वो 85 से 90 डिग्री, ये हम लोग पढ़े हुए थे। और इसका ये देखे हुए थे, इसका फिगर ये हो गया बॉडी, और ये हैंडल बॉडी कटिंग एज ये सब पढ़ लिए थे। अगला हम ये भी पढ़ लिए थे कि स्क्रैपर, स्क्रैपर का जो एंगल होता है वो होगा स्क्रैपर 90 डिग्री होता है, और इसका जो उपयोग होता है बड़े बड़े भाग को यानी बड़े सतह को स्क्रैप करने के लिए, यानी जहाँ पे हमें क्या कर सकते हैं, फ्लैट स्क्रैपर का उपयोग नहीं होगा वहाँ पे हम इसका हुक स्क्रैपर का उपयोग करेंगे। अगला पढ़ेंगे थे हाफ राउंड स्क्रैपर के बारे में, हाफ राउंड स्क्रैपर का दूसरा